इसको आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हेलो एल्केन्स केमिकल रिएक्शन, इसी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमने बताया था कि जो हेलो एरिन्स होते हैं वो केमिकल, बहुत कम केमिकल रिएक्शन से हो करती है। इसका कुछ रीजन हमने बताया था, पहले हमने बता दिया था डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो हेलो एरिन में जो कार्बन एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, जबकि हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। ये हेलो एरिन, तो हेलो एरिन क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के कंपेरिजन में लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसका एक तो ये रीजन हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या होता है बेटा, इसमें ये जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसमें जो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये क्या होता है बेटा, स्टेबल कंपाउंड होते हैं, दे आर स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी में आ जाती है। दूसरा हमने पढ़ा था पोलरिटी ऑफ द नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो पोलरिटी में हमने ये देखा था कि ये जो हेलो एरिन्स और अगर हम बात करते हैं एक हेलो एल्केन की बात करते हैं, ये हेलो एल्केन की हमने बात की, तो इसमें पोलरिटी ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगी बेटा, ये ज़्यादा पोलर बॉन्ड होगा, मोर पोलर, और ये जो है वो क्या होगा, लेस पोलर होगा। अब इसका रीजन ये है कि जो हेलो एरिन्स है ये लेस पोलर क्यों है, इसका रीजन ये है कि बेटा ये जो हेलो एरिन्स है इसमें ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। साथ में इसमें हम अगर हम देखें कार्बन और हेलोजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ ये क्या है, डिक्रीज है, कम होती है, तो लेस होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच की ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ज्यादा होती है, और आपको पता है जिस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है उसको ब्रेक करना उतना ही ज्यादा क्या होता है, आसान होता है। तो इसको हम आराम से ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, हेलो एल्केन्स ये ज्यादा पार्टिसिपेट करता है एज कम्पेयर टू हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स के कंपेरिजन में ज्यादा पार्टिसिपेशन इनमें होता है, ठीक है। तो ये तीन रीजन हमने आप लोगों को बता दिए है। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं जो हेलो एरिन्स शो करती है केमिकल रिएक्शन बाई हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देती है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो आप नोट भी करते जाइए बच्चों साथ साथ में। केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहला हम है केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एरिन्स इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते हैं या नहीं देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा ध्यान देना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है एस एन रिएक्शन कौन आसानी से दे देता है, एस एन रिएक्शन इजीली देते हैं कौन, हेलो एल्केन्स इजीली ये रिएक्शन दे देते हैं, कौन सी बेटा, एस एन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, एस का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, तो इसको शॉर्ट में लिखने का तरीका है SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन आराम से दे देते हैं। देखो SN जो रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है, SN रिएक्शन ये दो टाइप की होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में। एक होती है SN1 रिएक्शन और दूसरी होती है SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन ये दो टाइप के रिएक्शन होती है,
जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 और SN2 हेलो हेलो एल्केन्स इजीली दे देते हैं। ये इजीली ये रिएक्शंस शो करते हैं, लेकिन हेलो अरेंज का मतलब है का ये जो मेन रिंग है उसके ऊपर क्या जोड़ा हमने, कोई भी एक हेलोजन ग्रुप यहाँ पे हमने अटैच किया है, ये क्या हो गई हेलो अरेंज हो गई। अब हेलो अरेंज भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस देती है, SN रिएक्शंस देती है, लेकिन कब देगी, ड्रास्टिक कंडीशंस में देती है। कौन से कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशंस में ये रिएक्शन शो करती है। अब ये ड्रास्टिक कंडीशंस का मतलब क्या होता है, अब ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब है बेटा जब हम हीट ज्यादा रखते हैं या टेम्परेचर या प्रेशर ज्यादा रखते हैं तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्शंस ड्रास्टिक कंडीशन में हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है। देखो कुछ एग्जाम्पल से हम आप लोगों को बता रहे हैं, देखो ध्यान से देखेंगे, क्लोरो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, इसमें क्लोरोबेंजीन ये हमने ड्रॉ किया, क्लोरोबेंजीन इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्या बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करवा रहे हैं बेटा किसके प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो 6 to 8% हमें क्या लेना पड़ेगा, NaOH लेना पड़ेगा, साथ में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई रखना होगा 623 केल्विन, और प्रेशर भी बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा 380 atm पे ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। ठीक है, देखो हमने क्या लिया है, 6 to 8% NaOH लिया है, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई लिया है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा हाई लिया है। ये कंडीशंस, इन्हीं कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम, ड्रास्टिक कंडीशंस कहते हैं। रीजन ये है कि ये जो हेलोजन रिंग है ना, ये वाली जो हेलोजन रिंग है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती इस वजह से टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को क्या लेते हैं हम, हाई लेते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, देखो ध्यान से देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। देखो ये वाला जो है ना Cl, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, किससे डिस्प्लेस हो जाएगा, OH से ये डिस्प्लेस हो जाएगा, Cl की जगह क्या आएगा, OH। रिएक्शन क्या बनेगी, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल, ये बन गया फिनॉल। ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन है बेटा SN रिएक्शन। और एक और बात ध्यान देंगे बेटा, जो हेलो अरेंज है वो SN रिएक्शंस कब देते हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस में देते हैं, मतलब एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो हाई होनी चाहिए, स्ट्रेंथ किसकी, न्यूक्लियोफिल न्यूक्लियो न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ है ना, न्यूक्लियोफाइल इसकी स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ हाई, तो ये रिएक्शन होगी। और क्या चाहिए बेटा, टेम्परेचर हाई, और क्या चाहिए, प्रेशर भी क्या होना चाहिए, हाई, तो ये रिएक्शन देंगे SN रिएक्शन देंगे। ठीक है, एरोमेटिक एल्केन है ये, एरोमेटिक एल्केन, तो हम इसको एरोमेटिक एल्केन जैसे हेलो एरेंज है वो। बात समझ में आ गई, एक और रिएक्शन हम देखते हैं बेटा, अगर हम चेन में हम क्या लगाते हैं, अगर हम चेन में लगा देते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ये हमने लगाया यहाँ पे Cl, यहाँ हमने लगा दिया Cl, और इसके ऑर्थो पोजीशन में हम यहाँ लगा देते हैं NO2, हमने क्या लगा दिया बेटा NO2, ये इसके ऑर्थो पोजीशन में हमने इसको अटैच कर दिया, ऑर्थो पोजीशन में हमने NO2 अटैच कर दिया। अभी जो NO2 ग्रुप होता है ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इस ग्रुप की परचेंस में SN रिएक्शन। SN रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आराम से हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको, अगर हम कोई ऐसा ग्रुप अटैच कर दें बेंजीन रिंग से, बेंजीन रिंग में हम ऐसा कोई ग्रुप अटैच कर दे जो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप द
substitution reaction, nucleophilic substitution reaction proceed very easily for aromatic haloarenes. या हम इसको बोल सकते हैं haloarenes for haloarenes. तो रिएक्शन इसको देख लेते हैं बेटा. ये सेम कंपाउंड हमने लिखा है, सेम कंपाउंड हमने लिखा है. यहाँ पे हमने ऐड किया क्लोरीन, इसके और तो इसके पहला पोजीशन पर हमने नाइट्रो ऐड कर दिया. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी परजेंस में हम करवा रहे हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो अब हम यहाँ पे ले लेंगे 5% NH, वहाँ पे जो 6% NH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, 5% NH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाएगी. अब टेम्परेचर डाउन होकर कितना रह जाएगा, 443 केल्विन पे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी. पहले हमने लिया था 623 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है. तो टेम्परेचर की कम रिक्वायरमेंट है और प्रेशर नीचे, नॉर्मल प्रेशर पर ये रिएक्शन होगी. और किसका सब्सटीट्यूशन हो जाएगा बेटा, ध्यान देंगे, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट होगा. ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सब्सटीट्यूट हो जाएगा. किस से सब्सटीट्यूट हो जाएगा, OH से. ये न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल. तो न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है. एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, पुराना वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह न्यू न्यूक्लियोफाइल एड हो जाएगा. यही क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे. देखो इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, OH. ये हमने जोड़ा OH, NO2 से पहले से जुड़ा हुआ था. इसको हम क्या बोलेंगे, फोर नाइट्रोफिनोल. प्रोडक्ट क्या बना, फोर नाइट्रोफिनोल. रिएक्शन समझ में आ गई बेटा. सिर्फ हमने देखो एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, सॉरी ये इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल हमने ऐड किया, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ना NO2, ये क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड करने से रिएक्शन आसानी से हो गई. अगर हम दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देते क्या होगा, देखो ध्यान से देखेंगे. तो बेंजीन लिंक पे हमने क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड किया है. जैसे ये हमने लिया फिनोल. अब यहाँ पे और तो और पहला पोजिशन पर हम क्या जोड़ देते हैं, NO2 ग्रुप जोड़ देते हैं. NO2 ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये बेंजीन लिंक से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, विड्रॉल करेंगे, अपनी साइड में ले लेंगे. तो बेंजीन लिंक में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी. इस वजह से ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा. अब पहले हमने लिया था NaOH, अब ये रिएक्शन हो जाएगी एक्वस NaOH की प्रेजेंस में हो जाएगी. सबसे पहले हमने लिया था 6% NaOH, फिर हमने लिया 5% NaOH, और अब जो रिएक्शन हो रही है वो किसमें हो रही है बेटा, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो रही है. मतलब रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी. अब कोई भी ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं आएगी. अब देखो रिएक्शन में टेम्परेचर भी हमें कम ही रखना है, 368 केल्विन पे ही रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी, ठीक है. और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान देंगे, प्रोडक्ट बनेगा ये जो OH है इसकी जगह क्या जुड़ेगा, यहाँ पे OH नहीं है, यहाँ पे Cl है, ठीक है. ये जो Cl है इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, OH. तो यहाँ हम जोड़ देंगे बेटा OH, यहाँ NO2 था, यहाँ पे भी NO2, ये प्रोडक्ट बन गया. इसका नाम है 2.4 डाई नाइट्रोफिनोल, 2.4 डाई नाइट्रोफिनोल ये कंपाउंड का नाम है. एक और रिएक्शन देख सकते हैं बेटा, एक और रिएक्शन देख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे. अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप है ना उसका काउंट बढ़ा देते हैं. यहाँ हमने लगा दिया Cl, अब यहाँ पे भी हमने लगाया NO2 ग्रुप. इस दूसरी साइड के जो और तो पोजीशन है वहां पर भी NO2 लगा दिया, और पहला पोजीशन पे भी हमने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप. तो तीन NO2 ग्रुप जुड़े हैं, एक दो और तीन, तीन NO2 ग्रुप जुड़े हैं. तो तीनों क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये तीनों को,
रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में? अब NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करवाएंगे हम, सिर्फ पानी से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। सिर्फ पानी से ही क्या करेगा, OH को ले लेगा और Cl को रिमूव कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल हटेगा, इसकी जगह न्यूक्लियोफाइल कौन सा जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, वाटर का OH में एड हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या बनेगी देखो, ध्यान देंगे, ये रिएक्शन होगी। यहाँ NO2 लिखेंगे, यहाँ NO2 लिख देंगे, यहाँ NO2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा। यहाँ हमने लिख दिया, तो ये हो गया बेटा, इसको इस कंपाउंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं 2,4,6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई नाइट्रोफिनोल। और इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेटा टिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? टिक्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ये कंपाउंड को आपको ध्यान देना है। नाम क्या है बेटा? पिक्रिक एसिड। फुल फॉर्म क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। देखो ध्यान से, यहाँ पे वाइज जुड़ा है, तो ये 1 और ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो 2 नंबर पे NO2 जोड़ेंगे, 4 नंबर पे NO2 जोड़ देंगे, और यहाँ पे 6 नंबर पे NO2 ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा T3। बात सबको समझ में आई? आप बच्चों को समझ में आया ना मैंने क्या बताया आपको? रिएक्शन जो है ये हेलो एरिन्स की खासियत है। हेलो एरिन्स गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलो एरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो हेलो एरिन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है? सबसे पहले फिडरग्राफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें फिडरग्राफ रिएक्शन, ठीक है? फिडरग्राफ रिएक्शन इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो भी ग्रुप एड होगा ना, जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा, और वो कहाँ पे होगा? ऑर्थो पे, ऑर्थो पोजिशन पे एंड पेरा पोजीशन पे होगा। और तो एंड पेरा पोजीशन पे क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। जो भी प्रोटीन बनेगा और तो पेरा पोजीशन पे एड होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा, हाँ, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन बहुत ही सिंपल टाइप की केमिकल रिएक्शन है बेटा। तो हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन, ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, हमने जोड़ दिया Cl। अब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, ठीक है? इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरीन से। अब हम यहाँ ले लेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस FeCl3, या हम ले सकते हैं AlCl3, ये लेना जरूरी है। तो प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिव प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक, तो ऑर्थो पे इसको बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा साथ में, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है? 1,2 एंड 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन, ये प्रोडक्ट हमें मिलेगा हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन का मतलब देखो, ये हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है वो किस टाइप के रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ध्यान देंगे। किसका एग्जांपल है ये? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा दूसरी जगह, उसकी जगह दूसरी दूसरा इलेक्ट्रोफाइल एड हो जाएगा। यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल गया पता आपको? H+ गया है, इलेक्ट्रोफाइल गया है, ठीक है? और इसकी जगह ऐड क्या हुआ है? Cl+, ये ऐड हुआ है इसकी जगह, ठीक है बेटा? ये जो H+ है ना, वो इससे गया है। कहाँ से है देखो, मैं बता देता हूँ आपको। H+ है ना, ये H+ आयन,
इस बेंजीन रिंग से गया है, इस बेंजीन रिंग से एच प्लस आयन रिमूव हुआ, यहाँ से गया है रिमूव हुआ है एच प्लस आयन, ये रिमूव हो गया ठीक है, ये मैंने लगा दिया अभी इसके माइनस। और इसमें एड क्या हुआ है बेटा, अब इसमें एड क्या हुआ है, एड ये हुआ ये बता, ये जो सी एल प्लस है ना, ये सी एल प्लस, इसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्या कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल, समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसे हम कहते हैं नाइट्रेशन, क्या कहेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन। देखो नाइट्रेशन में क्या होगा, इसकी रिएक्शन हम करवानी है कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से जब हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, हेलोरेंज की, जब हेलोरेंज, व्हेन हेलोरेंज रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 देन द रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हम लिख के देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ये हमने बनाया सिंपलेस्ट टाइप का हेलोरेंज क्लोरोबेंजीन, ये हमने बना दिया बेटा क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे, कंसंट्रेट HNO3 से करानी है, कंसंट्रेट HNO3 से कराएंगे, प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें इससे ऑर्थो में और पैरा पोजिशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो एक तो ऑर्थो से जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और एक जाएगा पैरा पोजिशन से, तो इसका और तो कौन सा है बेटा, ये वाला पोजीशन है, क्या जुड़ जाएगा NO2 ठीक है, यहाँ NO2 जुड़ेगा प्लस एक और प्रोडक्ट मिलेगा पैरा पोजीशन वाला, ये Cl लगेगा, ये और तो पोजीशन है बेटा, ये और तो पोजीशन है ठीक है, और यहाँ पे भी NO2 हम ऐड कर देंगे, तो एक ये प्रोडक्ट मिलेगा एक ये प्रोडक्ट मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं वन क्लोरो टू नाइट्रो बेंजीन, वन क्लोरो टू नाइट्रो बेंजीन इस प्रोडक्ट का नाम है, और इसका क्या नाम है, ये है वन क्लोरो फोर नाइट्रो बेंजीन ठीक है, बात समझ में आ गई, इनके प्रोडक्ट मिल गए। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर हेलोरेंज सल्फोनेशन, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सल्फोनेशन पढ़ने जा रहे हैं। एक और बात आप लोगों को ध्यान देनी है, चाहे हेलोजिनेशन हो चाहे वो नाइट्रेशन हो या फिर क्या हो सल्फोनेशन, सल्फोनेशन सब किसके एग्जांपल है, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक ये रिएक्शन हमें पढ़नी है, ये रिएक्शन हमने हम पढ़ चुके हैं, हेलोजिनेशन हमने पढ़ लिया, नाइट्रेशन हमने पढ़ लिया, सल्फोनेशन हमने पढ़ लिया, एक और रिएक्शन हमने पढ़ ली थी, वो रिएक्शन है बेटा फोर्थ रिएक्शन में फिडल क्राफ्ट की, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन सब किसके एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल है, बात समझ में आई आपको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा किस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस रिएक्शन को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे बेटा और समझने की कोशिश करेंगे।
तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम करवा रहे हैं एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन भी दो टाइप की है, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन एसाइलेशन दो टाइप की होती है। एक तो एसाइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और जब एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो उसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिडल क्राफ्ट हम एल्काइलेशन पढ़ रहे हैं, एल्काइल ग्रुप एड होगा। ठीक है, रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन किस टाइप से होगी? ये देखो, ये हमने बनाया क्लोरोबेंजीन, सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड हम लिख के चल रहे हैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे मिथाइल क्लोराइड से, ये मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl। ठीक है, और जब भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाती है तो एक कैटलिस्ट आपको ध्यान देना है, एनहाइड्रस, ये लिखना नहीं भूलना। ये अगर आप लिखना भूल जाते हो तो यहाँ पे नंबर आपके कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर हम क्या ले सकते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ले सकते हैं, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो, दोनों में से एक लेना है आपको। ठीक है, दोनों में से एक आपको यूज करना है। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो एक ऑर्थो का बनेगा और एक पैरा का बनेगा। ये हमने लिखा है यहाँ पे Cl, और एक जुड़ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, इसका नाम है 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। ये है 1-क्लोरो-2-मिथाइल बेंजीन। और एक और प्रोडक्ट मिलेगा, ये बेंजीन, तो एक और प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? यहाँ पर Cl है और पहला पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जुड़ा देते हैं, ये CH3 जुड़ा है ना ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा है, और यहाँ पे पहला पोजीशन पे जुड़ा है, तो इसका क्या नाम हो गया, 1-क्लोरो-4-मिथाइल बेंजीन, इस कंपाउंड का नाम। तो ये हो गया हमारे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो किसका एग्जांपल थी, इसका एग्जांपल थी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल थी। कुछ और मिसलेनियस रिएक्शंस हैं वो हम देख लेते हैं बेटा, जो एरोमेटिक जो हेलोएरिंस शो करते हैं रिएक्शंस, मिसलेनियस रिएक्शंस कुछ हम देख लेते हैं। वुड स्पिटिंग रिएक्शन देख लेते हैं, नेम रिएक्शन है तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, नेम रिएक्शन है बेटा, नाम है वुड्स WRT, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम सोडियम की प्रेजेंस में हेलो एरिन्स को रिएक्ट करवाएंगे ड्राई ईथर में। तो ये हमने लिया, देखो ध्यान से देखो, ये हमने ले लिया ब्रोमो बेंजीन, सपोज यहाँ हमने जोड़ दिया Br, तो दो मॉलिक्यूल ले लेंगे, इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे बेटा सोडियम से। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर की रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और हम प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाई फेनिल। प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा हमें, हमें बाई फेनिल, देखो इस टाइप से, ये बाई फेनिल, ये बाई फेनिल इसको बोलते हैं, बाई फेनिल, बाई फिनाइल भी बोल देते हैं कोई, या इसको डाई फिनाइल भी बोल दो, कुछ भी नाम इसको दे सकते हैं, दोनों में बाई फेनिल या डाई फिनाइल। ठीक है, रिएक्शन किस टाइप से हो रही है ध्यान से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे।
साथ में ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। देखो ये जो क्लोरोबेंजीन हमने बनाया या ब्रोमोबेंजीन बनाया, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। देखो ध्यान से, इस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये बेंजीन लेंगे, यहाँ पे हमने जोड़ दिया बी आर, प्लस यहाँ लगा दिया एन ए, प्लस यहाँ पे जोड़ा बी आर, और यहाँ पे ये बेंजीन है। मीडियम क्या ले लेंगे, मीडियम लेंगे हम ड्राई ईथर, ये याद रखना आपको, ड्राई ईथर मीडियम लेंगे। और 2 मोल ये ले लेंगे, तो क्या बाहर निकलेगा बता, ये एन ए बी आर ये बाहर जाएगा, ये एन ए बी आर बाहर जाएगा। ये एक बेंजीन लिंक और ये एक बेंजीन लिंक, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी। देखो ध्यान से देखेंगे, दोनों बेंजीनिंग आपस में अटैच हो जाएगी बॉन्ड से, इसको हम बोलेंगे बाईकोनियल। एक ये बना दो, दूसरे आप ये बना दो इस साइड से, और दोनों को आपको जोड़ देना है एक बॉन्ड से, तो क्या बन जाएगी ये बाईकोनियल, क्या बन जाएगी बाईकोनियल। इसी को हम इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, थिंक समझ में आया होगा आपको। अब देखो एक और हम रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, रिएक्शन विद मैग्नीशियम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद मैग्नीशियम क्या होगा अगर इसको मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करवा देता, इसको ये हमने ले लिया सपोज ब्रोमो बेंजीन, ये हमने लिया है ब्रोमो बेंजीन। बेटा ब्रोमो बेंजीन को आप इस टाइप से लिख दो या इसको इस टाइप से लिखो या फिर इसको इस टाइप से लिखो, बात एक ही, आप इसको किसी टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सुविधा के लिए इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ये ब्रोमो बेंजीन मैंने इस टाइप से बनाया। इसकी रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम से, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या कहेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो याद रखोगे बच्चों, रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है। एक और हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, रिडक्शन ऑफ, अब हम इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कन्वर्जन में आपको बहुत काम आएगी रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है आपको कन्वर्जन में बहुत ही काम आने वाली है। रिएक्शन है आपकी रिडक्शन ऑफ एराइल हेलाइड या हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स का हम रिडक्शन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ध्यान देंगे तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा हमें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमें बेंजीन मिल सकती है। देखो तो ध्यान से देखेंगे, जैसे ये प्रोडक्ट हमने लिया है क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन दिया, इसका हम रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन क्या क्या होता है बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हम लेते हैं सोडियम के साथ में इथाइल अल्कोहल, सोडियम के साथ में इथाइल अल्कोहल, ये क्या है बेटा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हीटअप करेंगे इसको, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। दो और एच को हमने क्या लिखा बेटा, ब्रैकेट में लिखा है, इसको इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नेसेंट हाइड्रोजन, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है नेसेंट हाइड्रोजन। अब इसकी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट मिलेगा बेंजीन, ये बेंजीन प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में एच सी एल।
हमने क्या किया, एरोमेटिक एरोमेटिक या हेलो एल्केन को या हेलो एरिन्स को या एल्काइल हेलाइड एराइल हेलाइड को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये रिएक्शन आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, पॉली हेलोजन कंपाउंड। पॉली हेलोजन कंपाउंड ये भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है बेटा। तो आपको आज जो मैंने बताया सभी बच्चों को समझ में आया होगा।